तो ही आज दोनों में बटाई बट मारूंगा। नहीं आज तेरी जिद निकाल दूंगा मैं। भैया ये स्टैंड के साथ आता है या वॉल माउंट के साथ आता है? वॉल माउंट करवाना पड़ेगा। तो आप करके दोगे ना? तो सुबह कर देना जवाब। कौन सा बोल रहा था फालतू? सामने वाले से काम नहीं कटवाना था उनसे। पूछ ले नहीं हूं। क्यों पूछता जब हमने अभी नहीं वो कह रहा था क्यों निकल रहा था फोन मेरे को मुंह में मुंह दूं है कर दूं अब बता वो चीज तो डिलीवरी वालों से खुद ही ले आना उसके घर जाके इनको टीवी ले नमी आ रहे गाड़ी लेके खराब है तेरी भाई बिल्कुल तुम्हारे से काम काटना नहीं आता तेरे से हो जावे काम कर एक काम निकल गया इसका कुछ हो रहा है अरे कुछ तो पूछो क्या करेगा वो यहां का मुंह मुद्दा और लगवा लेना है स्टैंड आपने बताया नहीं था कुछ नहीं तुम्हारे बस के कुछ नहीं है वो वॉशिंग मशीन की वो जाली नहीं थी कटी हुई जिसमें वॉशिंग मशीन का पाइप लग जा तो यूं ही धो रहे उसमें बह गए किचन में आ गया आधा पानी कपड़े निकालना लेकिन लगवाई नहीं गई किसने लगवाई बड़े साहब है क्या यूं ही नहीं कहा जाता घर संभालना मैनेज करना एक बहुत बड़ी बात है टट्टी चल रहा वाई फाई इतने को वाई फाई लगवा दिया भाई इतना मैं रिकॉर्ड कर दिया वीडियो अब काम शुरू होगा रचित का। रचित अभी दूसरे रूम में दिखा रहा हूँ मैं क्या कर रहा है एडिटिंग डागा ने करी लेकिन रचित अभी रिव्यू कर रहा। Who is this bitch? आज तो 4K क्वालिटी में ऐसे ही अपने घर के ही टीवी पे देख रहे हैं अच्छा लग रहा सच में पता लग रहा कि हाँ 4K क्वालिटी में अगर शूट हो रहा है तो अच्छा आ रहा है और हाँ मैं 4K क्वालिटी में भी हैंडसम लगता हूँ। अबे टूट गया होमो बोट की बना दी ये तो रिवर्स मशीनरी है। अबे तेरी भी दिख रही क्या एक्सप्लिसिट कंटेंट ही है। एक वीडियो इधर एडिट होने लग रही है भागो ये भी अपलोड करनी है ये देख लो बॉडी बिल्डर वहीं खड़े कॉनर मैकग्रेगर सामने वाले फ्लाइट से देख रहे होंगे तेरा हसीन बदन वहां तो जान जान जावे दो लड़की देख ली बालकनी में हो गया तो सिलेक्ट ऐसी लड़कियां तो पसंद है इसे तो ऐसे पसंद है आज की सुबह ये तो पता नहीं हमारे फ्लैट के बाहर दूसरा फ्लैट ही कंस्ट्रक्ट होने लगा क्या देख रहे एकदम लेके बैठ गया कटोरे खाली कटोरे लेके बैठ गया ब्रेकफास्ट करा उन्हें क्या खाए वे लाया था तू चोकोस खाए यार आज तो खा ले बना ले क्या टाइम हो रहा बता 12:30 बजे उठे ऑफिस बहुत टाइम हो गया बहुत समय बाद मैंने कोई ब्लैक शर्ट खरीदी है पूरी ब्लैक एकदम प्लेन ब्लैक और इसके नीचे भी मैं ब्लैक ही पहन रहा हूँ ये पता नहीं कैसा लगेगा मैं चूते लगूंगा वीरू अज मेरी कहानी मैं सूफिया दा राजा देख जेलस जेलस आई कैन सी द जेलसी बताओ तुम तो मेरे सामने पानी भी नहीं बेच रहे देख जेलसी तो हुई होगी आज देख के यार बड़ा कुछ तो यू चाह रहा होगा तू कि कुछ तो सीख लू अब ठीक लग रहा है लेकिन नीचे नीचे ये पहन लिया पैंट पहन ले कोई पॉकेट वो लग रहा बिल्कुल वेटर शर्ट अच्छी लग रही वैसे कितने कितने रेटिंग देगा तू मुझे मैंने घर से निकलते हुए तो देख पद्दी मारी हल्की सी ठीक चला रहा है ऐसे कुछ कमी नहीं है 8 नंबर तो दे सकूं दसवां से तुझे भी ये टट्टी कलर है जो भी है कौन सा सामने एक गाड़ी स्काई ब्लू कलर की टैक्सी थी कहां पे हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर करा दो हम रेंज रोवर ले लेंगे
एक मिलियन भी लोग ही कराएंगे और गाड़ी फिर गाड़ी भी हमें लेंगे। ओ देख साइड में क्या जा रहा है अभी, अभी देखिए अभी एक कट मिस कर दिया हमने बात में वो पोर्शे के चक्कर में ना। सबसे बड़ी अचीवमेंट आज तो बिल्कुल एक फ्लाईओवर पे पूरे ट्रैफिक से निकाल दी भाई ने, दबा गया जबकि आगे पीछे जगवार थी, फोड़ देते तो गाड़ी रख लेते हमारी लाइट के बदले। आज बिल्कुल दिलेर बन के चल ले रहे, एवरेज निकाल दिया गाड़ी का। हाँ सही है, 12 का है पता, 12 का तो देते भी नहीं। दोपहर में मिलेगा, बाकी दिन ब्रेकफास्ट और डिनर, और जिम भी यही है पास में ही। दोनों नॉकआउट में लड़कियां क्या ही करेंगी, लड़कियां नॉकआउट नहीं कर सकती ना, लड़कियां तो किचन जिम में जा सके। मैं कर सकूं लड़कियों को नॉकआउट, लेकिन इक्वालिटी ये उससे अच्छा यार टी ब्लॉक वाले से। कितने की शेयरिंग है इसमें भैया? ये रचित के लिए देखने आए, दोनों को बगा रहा आपने, अब न्यू ज्वाइनिंग होगी मेरे यहाँ पे लग, बिल्कुल रूम वाले ही रहा है। मुझे बताओ क्या करना, मैं नंबर बढ़ा लूँ मैंगो शेक वाले का, मैंगो शेक मैं बना लूँ क्या? बना दूँ मैं मैंगो शेक, बता तू बना दे आवे बजाना। सही बताइए यार, आज मिक्सर ले जाएंगे फिर बुलाऊंगा तेरे से ही। मैं इसमें जा रहा यूनिसेक्स जिम में, वो क्या होता है भाई, मैं पहले घबराऊँ था जहाँ पे यूनिसेक्स सैलून लिखा रहता ना, मैं जाऊँ था, मैं यार पता नहीं क्या क्या है यहाँ। बाल काटने के लिए कभी कहीं और ही बाल काटते हो कभी, यूँ यूँ रहो कैंची लेके बड़ा आएगा तेरा, तेरा भी लार्ज का नाम पे पता लगी है। हाँ हमारे लिए मंगवाए छोटे ग्लास, और देखो जिन लोगों का छोटा हो विज्ञापन पढ़ते हुए देखे, उसमें छोटा लिंग निराश क्यों, तेरे लिए क्यों ढूंढ रहा था मैं, किससे मैरिड लाइफ में सफर ना, तुम्हारी मैरिड लाइफ के लिए तो मैं हुई भाई। पीक टाइम में बाहर निकलना ना NCR में सबसे बड़ी गलती है, थक गया यार यहाँ पे, एक काम करने निकल जाओ NCR में पूरा दिन फक हो जाएगा तुम्हारा। 10 मिनट का काम करने आए थे वो भी 25 किलोमीटर दूर, और पूरा दिन चला गया। किस टाइम निकले थे हम? 4:00 बजे। अरे अब ये टाइम आ रहा 7:30, अभी भी घर जाने का स्कोप नहीं है कोई, अब एक घंटा कहीं पे टाइम काटते हैं क्योंकि ये पी कार्स हैं, देख साइड वाली लेन में फिर किसी मॉल में बिता के फिर निकलेंगे घर के लिए। मतलब ये भी तो सोचो कि टाइम बचाने के लिए भी मॉल में दे रहे टाइम, मतलब टाइम तो बच ही नहीं रहा, बस ये सर दर्द बच रहा। कहाँ दिक्कत आ रही होगी भाई? अभी कार वॉश वाले बैठे थे तो मैंने पूछ लिया कि कार वॉश कितने में होगी, तो उसने कहा 5 रुपए। मैं मजाक में कह दिया 5 रुपए, वो हंस पड़ा, हम आगे निकल पड़े, वो ऑफेंड हो गया। तुमने क्यों बोल दिया? सोशली छुपना सोचा हर चीज से, बचना चाहे इंट्रोवर्ट ऐसी है। चल ठीक है, मेरा वॉलेट अंदर है, खर्चा नहीं करना पड़ने का। मैं तेरा वॉलेट है लेकिन अपने वॉलेट में कार्ड है ना, तुम्हें तो बस काली टी शर्ट पहन के आ रही हूँ सोच रहा। टी शर्ट शर्ट भाई फुल नो ले जा भाई, चल टी काट दे टाइम लाइन में से, अब बता रह जाएगा पता। अब बता, जिम का ट्रेनर इनका चूतिया बना रहा, थोड़ा सा इनसे फैमिलियर हो गया क्योंकि उसे अब तक किसी इन्होंने पेमेंट नहीं करी, तो ये सोच रहे कि बहुत अच्छा है वो। ट्रिक हो भाई तुम्हारे जैसे, तुम्हारे जैसे की चूतिया बनाने की ट्रिक हो। मॉल में तो बहुत शांति आज, काफी फन, तेरी माँ को दी थी वहां से ऐसे ही खिंचवा रहा है मैं भी अपने बच्चों से फोटो स्पोर्ट्स ब्रांड में घुसे जाके। अरे कुछ नहीं लेके आने का, चूतिया बना के आ जाएगा उनका ले, उनका टाइम तू तो वो ले ले, ब्लू कलर की देख इधर ही, इधर ही राइट हैंड पे ब्लू कलर की लगी हुई है। एम्बियंस मॉल, एम्बियंस मॉल यहाँ तो कुछ भी नहीं, खाली पड़ा पूरा। एम्बियंस के नाम पर तो यहाँ कुछ भी नहीं है, सारे फोन चोरी हो रही। मैंने सोनी, मैंने कहा इनके पीछे पड़ा रहेगा जो ऐसी ब्रांड होंगी ना जो कोई नहीं खरीद पाएगा। हां वो बहुत अंडररेटेड है, खरीद ला गजब है सोनी का, घर बन ले ना। सोनी का एक नया फोन आएगा अभी। एक्सटेंशन भी तो लगा रहे नेल्स पे, लगवा लो तो मुझे दे दे 1 लाख रुपए, मैं लगवा लूंगा। क्यों दूं 1 लाख रुपए? बहुत लड़के हैं, मैं इन एक्सटेंशन करा लगवा लड़कियों के। अरे तो वो क्या कर रहा था, श्राद्ध शुरू हो गए क्या? चिकन विकन नहीं खा सकते? खा सकते 2 दिन में। फ्राइड चिकन विंग्स करवा रहा था, फ्राइड विंग्स करवा लो, फ्राइड विंग्स करवा ले बेचारे। आज रजित पूरे दिन लगाएगा ऑर्डर करने में, एंड में मंडी खा के जाओगे यहाँ से भी। फैमिली रेस्टोरेंट जो होते हैं ना ये मॉल वाले और ये सब, ये बहुत ओवर प्राइस होते हैं, बहुत ज्यादा। 180 की बियर भी 540 की है, तो फैमिली रेस्टोरेंट में आए भाई तुम बियर के लिए।
घूम के आया पानी के पीछे पर। ये तो बता कि थाली मंगवाई थी तुमने, बियर के प्राइस की बता रहा है ना, कंपेयर कर रहा था ना बियर से। गेस करो बिल कितने का होगा, जिसका सबसे दूर होगा वो देगा। अराउंड भाई 2300 के अराउंड होगा। 2500 किसने बताया 23? वो जीत गया, तू जीत गया, मेरा सबसे दूर आया। कितना है? 2127। इसीलिए ये तो मैं छोड़ने नहीं वाला, ये तो जितनी भी है पीठ पाल। नाइन्थ वंडर दिखा दो क्या? दिखा तुम्हारी मम्मी का पैर। बहन के लोड़े हर बार हमें पार्किंग में गाड़ी लगा के सोंक सोंक में घुमाई में भाग के चढ़ जा मॉल में, सारे मॉल में पार्किंग भूल जा कहाँ पार्क करी थी गाड़ी। अरब तो सामान लेना भी भूल गया था, बत्तो बत्तो वापिस जा रहे हैं वापस। क्रोमा का डोर तो बंद हो गया, बट लेट्स सी कि हमें घुसाता है या नहीं घुसाता। खुल रहा अभी, कस्टमर आ रहे जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं। बंद है चीत, इतना जीत दिए दो बार हम क्रोमा में आगे, बार बार ही हो गया। माउस लूंगा ना तो यहाँ से लेता मैं इसे घर पे। जब भी हम वीडियो एडिट करें तभी वो माउस इतना खराब है, एक वो लाने में कुछ हो गया उसमें, उसके बाद दूसरा लाया उसमें भी कुछ हो गया। मैं इसे कहा बेटे तीसरा ऑर्डर कर ले, एक महीना हो गया अभी ऑर्डर मार। अरे ये 502 मिल रहा 4200। तो तू ही बता बेस्ट कौन सा? बेस्ट तो ही है यार, बस तो जो बेस्ट है वो करते हैं। आज तो ऐसी गाड़ी घुमा दी, तीन बेसमेंट कम से कम 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया तो हो गई होगा, पूरा छान मारा। ना कहीं गाड़ी बोल रही ना दिख रही, अब वापस बेसमेंट वन में ही जा रही, क्योंकि मुझे लग रहा कि हम इतने नीचे आए नहीं थे। एक ही बारी तो नीचे उतरे जब तू कह रहा था देख उधर जगह है, तो बेसमेंट वन में ही है वो। घूमते घूमते एक घंटा हो गया अभी भी गाड़ी नहीं मिली। अब देख गाड़ी कौन सी मिली थी। लेकिन अब पहले हम उस एंट्री से बाहर आए जहाँ पे घूम रहे थे, अब वापस वो रिक्रिएट कर रहे हैं सीन, जैसे पुलिस कर रहे हैं ना रिक्रिएट, कहाँ कहाँ से गाड़ी घुसी थी वैसे ही जा रहे हैं। बस वही याद है हमें, पूरे मॉल से बाहर निकल के वापस गाड़ी वाली एंट्री से घुस रहे। ये चीज डायरेक्ट करने के लिए कि असल में पूरे फुट स्टेप्स पे चल रहे गाड़ी के, कहाँ कहाँ घुली थी, कहाँ से मुड़ी थी। हाँ यही थी। अरे कहाँ थी तू? आज तो इसकी साउंड भी अच्छी लगी है बजती हुई भी। आज पहली बार मैंने फील किया कि रिलैक्स करना किसे कहें, अब जाके थोड़ी सी शांति पड़ी। पार्किंग में 45 मिनट गाड़ी क्या ना मिली, उम्मीद छोड़ दी तूने जीने की।